नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल पिल्स के बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों, डिजिटल पिल्स एक स्पेशल पिल्स होती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए बनी हैं। और दोस्तों, इन डिजिटल पिल्स की मदद से डॉक्टर्स ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट ने समय पर अपनी मेडिसिन ली है कि नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजिटल पिल्स कैसे काम करती हैं और इनसे रिलेटेड हुई रिसर्च और हिस्ट्री के बारे में भी आप डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आज आप इस वीडियो में बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिजिटल पिल्स को पहली बार अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इनको पहली बार यूज करने की परमिशन दी है। और दोस्तों, इन डिजिटल पिल्स में सेंसर्स लगे हुए हैं जिनके पेशेंट के लेने के बाद डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी मेडिसिन टाइम पे ली है कि नहीं। और दोस्तों, इसमें अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने यह भी बताया है कि एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स एबिलिफीमायासाइट पहला ऐसा मेडिकेशन है जिसमें दोस्तों डिजिटल इंजेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ यूज करने की परमिशन दी गई है। और दोस्तों, ये जो डिजिटल पिल्स हैं इनको सिलिकॉन वैली की प्रोटियस डिजिटल हेल्थ और जापानीज फार्मा कंपनी ने मिलकर इन डिजिटल पिल्स को बनाया है। फिर यहाँ पे दोस्तों, अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने ये बताया है कि ये जो डिजिटल पिल्स हैं इनको स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर आई डिसऑर्डर और दोस्तों इसी के साथ एक मानिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एडल्ट्स के डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए इन डिजिटल पिल्स को बनाया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये डिजिटल पिल्स जो हैं ये काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, इन डिजिटल पिल्स के अंदर सेंसर लगे हुए हैं जो कि दोस्तों इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं एक वियरेबल पैच के पास। फिर दोस्तों, जो इन डिजिटल पिल्स का डेटा है वो एक स्मार्टफोन ऐप पर जाता है जहां पर दोस्तों हम देख रेख कर सकते हैं उस पेशेंट की कंडीशन पर। प्लस दोस्तों, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट ने अपनी जो मेडिसिन है वो टाइम पर ली है कि नहीं। और दोस्तों, फिर ये जो स्मार्टफोन ऐप का जो डेटा है इनको डॉक्टर्स के पास पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो डिजिटल पिल्स हैं जब ये हमारे स्टमक में पाए जाने वाले एसिड के साथ मिलती हैं तो ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती हैं। और दोस्तों, इन डिजिटल पिल्स के अंदर कॉपर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन होता है जो कि दोस्तों बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। अब दोस्तों, इन डिजिटल पिल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करने के लिए पेशेंट को एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। और दोस्तों, जितने भी लोग इन पर्टिकुलर डिजीजेस से अफेक्टेड हैं, अगर हम ये ट्रैक करें कि वो लोग जो अपनी मेडिसिन है वो लोग टाइम पर ले रहे हैं कि नहीं, तो दोस्तों इसको ट्रैक करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इन डिजिटल पिल्स को बनाने का पर्पस क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं उसके हिसाब से मेडिसिन ना लेने की वजह से अमेरिका में हर साल 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। ये दोस्तों जो भी डॉलर्स में फिगर होगी उसको कन्वर्ट किया गया है। तो दोस्तों, इन फिगर्स को इम्प्रूव करने के लिए इन डिजिटल पिल्स को बनाया गया है। प्लस दोस्तों, ये जो डिजिटल पिल्स हैं ये जो प्रोटियस डिजिटल हेल्थ जिन्होंने इनको डेवलप किया है उन्होंने ये 10 साल से वो इस पे काम कर रहे थे और फाइनली उनको 2012 में इसको यूज़ करने की परमिशन मिली। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।